नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक 2019 को। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा देख चुके हैं, फिर विधिक परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य देख चुके हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य देख चुके हैं और संक्षिप्तियाँ देख चुके हैं, और जो उत्तर प्रदेश का जो करेंट अफेयर्स था उसे भी हम लोगों ने एक लेक्चर में खत्म कर दिया था। संक्षिप्तियों के बाद में बात करनी थी खेल परिदृश्य के बारे में। खेल परिदृश्य, तो याद रखिए समसामयिक की घटना चक्र से संबंधित जितने भी चैप्टर बने हुए हैं, जितने लेक्चर हमारे खत्म हुए हैं इससे, वो समसामयिक की घटना चक्र 2019 की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसमें बात करने वाले हम लोग क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों का विवरण देखेंगे। तो बात करते हैं प्रमुख आयोजन, इसमें बात करते हैं ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस, ये स्पर्धा है ऑस्ट्रेलियन 2019, फ्रेंच ओपन 2019, विंबलडन 2019, यूएस ओपन 2019। ठीक है, तो इसमें ये पुरुष पुरुष एकल विजेता और नीचे यहाँ पुरुष उप विजेता है। ठीक है, इसी तरह महिलाओं का है एकल विजेता और नीचे उप विजेता। ठीक है, पुरुष युगल विजेता, ठीक है, ये नीचे उप विजेता, ये महिला युगल विजेता, नीचे उप विजेता, इसी प्रकार मिश्रित युगल विजेता इस लाइन में दिए गए और नीचे उप विजेता। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ पुरुष और महिलाओं के एकल और उप विजेताओं के बारे में, बाकी का आप लोग देख लेना ठीक, वीडियो रोक कर। ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें 2019 की, तो पुरुष विजेता रहा है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं याद रखिए, और इसमें उप विजेता रहे हैं राफेल नडाल। ठीक, और फ्रेंच ओपन की बात करें 2019 की, तो इसमें विजेता रहा है राफेल नडाल और उप विजेता रहा है डोमिनिक एथियम ऑस्ट्रेलिया के, राफेल नडाल स्पेन के। फिर विंबलडन 2019, तो नोवाक जोकोविच जोकोविक सर्बिया के हैं और रोजर फेडर ये स्विट्जरलैंड के उप विजेता रहे हैं। ठीक, यूएस ओपन 2019, तो इसमें राफेल नडाल स्पेन के हैं और डेनियल मेदवेदेव रूस के उप विजेता रहे। तो याद रखिए ओपन कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन है नोवाक जोकोविच और विंबलडन ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों जीते हैं राफेल नडाल ने। बात करते हैं महिलाओं की और उनके उप विजेता, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नाओमी ओसाका ये जापान की है और उप विजेता रहे हैं पित्रा क्वितोवा चेक गणराज्य की। इसी में फ्रेंच ओपन में एस्लिवर्टी ऑस्ट्रेलिया की है और उप विजेता है मार्केता बोंदो ओसोवा चेक गणराज्य की। ठीक है, विंबलडन की बात करें तो सिमोना हालेप है विजेता रोमानिया की है, सेरेना विलियम्स है अमेरिका की, ये उप विजेता है। ठीक है, यूएस ओपन की बियांका एंड्रीस्क्यू कनाडा की है और सेरेन विलियम्स अमेरिका, ये उप विजेता है। ठीक, बाकी ये देख लेना आप लोग रोक के। ठीक, पुरुष पुरुष युगल विजेता है ये उप विजेता दिए गए। ठीक है, नीचे उप विजेता ऊपर विजेता, महिलाएं हो गई युगल में। ठीक है, नीचे उप विजेता या मिश्रित युगल ऊपर दिए गए, नीचे उप विजेता होने के। ठीक है, ठीक है, देख लेना। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जोकोविच ने रिकॉर्ड 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। ओपन युग में सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने के मामले में नोवाक ने रोजर फेडर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 6 बार यह खिताब जीता है। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के साथ ही WTA रैंकिंग में
शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली एशियाई महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। ओसाका द्वारा विजित यह दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में उन्होंने यूएस ओपन खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन की बात करें 2019 की, तो एसले वार्टी यह पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। वार्टी वर्ष 1973 में मार्गेट कोर्ट के बाद फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। नडाल का यह रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब था। इसके साथ ही नडाल ग्रैंड स्लैम में 12 जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया की मार्गेट कोर्ट ने 1960 से 1973 के मध्य 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब जीता था। फिर यहीं देखते हैं यूएस ओपन 2019, तो यह पुरुष एकल में राफेल नडाल द्वारा विजित कुल 19वां ग्रैंड स्लैम तथा चौथा यूएस ओपन खिताब है। 19 वर्षीय बियांका कोई ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली कनाडा की पहली टेनिस खिलाड़ी है। विंबलडन 2019, तो यह टूर्नामेंट का पहला संस्करण है जिसमें अंतिम सेट में एक मानक ट्राई बैक की सुविधा उपलब्ध थी। विंबलडन के इतिहास में यह पहला अवसर था जब पुरुष एकल के खिताब के विजेता का निर्णय अंतिम पांचवें सेट में खेले गए ट्राई बैक के माध्यम से हुआ है। विंबलडन के इतिहास में यह सबसे लंबा पुरुष एकल फाइनल मैच था। यह मैच 4 घंटे 57 मिनट तक चला। ठीक है, बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 आईसीसी द्वारा विश्व कप क्रिकेट का 12वां संस्करण इंग्लैंड तथा वेल्स की संयुक्त मेजबानी से संपन्न हुआ है 30 मई से 14 जुलाई 2019 के बीच। राउंड रोबिन और नॉकआउट प्रारूप वाली इस टूर्नामेंट में 10 देशों ने प्रतिभाग किया है। आधिकारिक गीत स्टैंड बॉय लॉरेन तथा रूडिमेंटल बैंड द्वारा प्रस्तुत है। विश्व कप के इतिहास में यह पहला मौका था जब आईसीसी के सभी पूर्ण सदस्य देशों की टीमों के बगैर विश्व कप खेला गया है। साथ ही यह पहला ऐसा विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसमें आईसीसी के किसी भी एसोसिएट सदस्य देश की टीम शामिल नहीं थी। यह 5वां मौका था जब इंग्लैंड ने विश्व कप की मेजबानी की। इससे पूर्व वर्ष 1975, 79, 83, 99 में भी इंग्लैंड ने विश्व कप की मेजबानी की थी। 14 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पराजित कर अपना पहला विश्व कप जीता है। याद रखिए, अपना पहला विश्व कप पहली बार इंग्लैंड जीती है। ठीक है, फाइनल मुकाबले में बेहद रोमांचक रहा जिसमें न्यूजीलैंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 241 रन ही बना सकी और मैच टाई हो रहा। मैच के परिणाम हेतु सुपर ओवर में नियमित इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड भी सुपर ओवर में 15 रन ही बना सकी और एक बार फिर मैच टाई हो रहा। इसके बाद बाउंड्री काउंट नियम के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया है। इंग्लैंड द्वारा मैच में कुल 26 बाउंड्री लगाई गई थी जबकि न्यूजीलैंड टीम ने सिर्फ 17 बाउंड्री लगाई थी। ठीक है, यह विश्व तथा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के इतिहास में यह पहला मौका था जब विजेता का फैसला बाउंड्री काउंट के आधार पर किया गया। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड विश्व कप जीतने वाली छठी टीम है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को फाइनल मैच ऑफ द मैच घोषित किया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस विश्व कप में भारत रोहित शर्मा ने 9 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए सर्वाधिक 648 रन बनाए। विश्व कप में सर्वाधिक 27 विकेट ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक ने प्राप्त की। इस विश्व कप में कुल 359 छक्के लगे जिसमें सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के ओइन मॉर्गन
26 छक्के के नाम रहा, इन्होंने 26 छक्के लगाए। उल्लेखनीय है कि मॉर्गन ने 18 जून 2019 को अफगानिस्तान के विरुद्ध खेले गए मैच में 148 रनों की पाली खेली, जिसमें 17 छक्के लगाए थे। इसी के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के रोहित शर्मा, एवी डिविलियर्स, दक्षिण अफ्रीका और क्रिस गेल वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड के 16 16 छक्के को जोड़ तोड़ते हुए मॉर्गन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के विरुद्ध विश्व कप में सर्वोच्च टीम का स्कोर 397 बनाया था। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध इस विश्व कप में न्यूनतम स्कोर 105 10 आउट हुए थे, ठीक है, 10 खिलाड़ी है अब 105/10। विश्व कप में 2019 के अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े देखें तो 16 जून 2019 को भारत तथा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के मध्य खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान विश्व कप के इतिहास में एक बार भी भारत के विरुद्ध जीत हासिल करने में असमर्थ रहा, ठीक है। इस विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर 40 वर्ष के रहे, जबकि सबसे युवा खिलाड़ी अफगानिस्तान के मुजीब और रहमान 18 वर्ष के थे। विश्व कप 2019 में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कुल 5 शतक लगाए, जो किसी एक विश्व कप में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं। इससे पूर्व श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था, जिन्होंने 2015 विश्व कप में 4 शतक लगाए थे। इस प्रकार इस विश्व कप में कुल 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने में सफलता प्राप्त की। पहली हैट्रिक भारतीय गेंदबाज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध और दूसरी न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट द्वारा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ठीक है। मोहम्मद शमी विश्व कप में चेतन शर्मा के बाद हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए, ठीक है, याद रखना। पहले चेतन शर्मा थे 1987 में। विश्व कप 2019 में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रनों से पराजित किया। विश्व कप 2019 के दौरान कुल 1983 चौके लगे, जिनमें सर्वाधिक चौके भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने लगाए 67-67, ठीक है। विश्व कप 2019 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी द्वारा किया गया, जिन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध 9.1 ओवर में मात्र 35 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। अफगानिस्तान के राशिद खान इस विश्व कप में एक पारी में रन देने के लिहाज से सबसे महंगे गेंदबाज बने। राशिद ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेले गए ग्रुप चरण के एक मैच में 9 ओवर में 110 रन खर्च किए, जो विश्व कप के किसी मैच में किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए सर्वाधिक रन है। बात करते हैं 15 जुलाई 2019 को आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 के टीम घोषित किया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को इस टीम का कप्तान चुना गया है। इस टीम में भारत के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम इस प्रकार है, रोहित शर्मा, जेसन रॉय, केन विलियमसन कप्तान है ये, जो रूट, साकिब अल हसन, बेन स्टॉक्स, एलेक्स केरी विकेट कीपर हैं, मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर, लॉकी फर्ग्यूसन, जसमीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट 12वें खिलाड़ी, याद रखना जसमीत बुमराह और रोहित शर्मा है भारत की ओर से, ठीक है। बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2019। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा प्रशासित 12वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 2019 प्रायोजित था इसका वीवो क्रिकेट टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ है 23 मार्च से 12 मई 2019 के बीच। हैदराबाद की राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान है एमएस धोनी के को 1 रन से पराजित कर 4वीं बार टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में 4 ओवर में
14 रन देकर 2 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोलकाता नाइट राइड्स के आंदे रसेल ने को आईपीएल के इस संस्करण में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। आईपीएल 12 के कुछ मुख्य तथ्य हैं, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद के हैं थे जी। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए इमरान ताहिर को 26 विकेट इस चेन्नई सुपर किंग में थे। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर एक पारी में जॉनी बियरस्टो 114 रन सनराइजर्स हैदराबाद टीम में थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लोग सबसे तेज शतक जॉनी बियरस्टो सनराइज हैदराबाद के थे ठीक है 52 गेंदों में। पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध सबसे तेज अर्धशतक हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में शामिल थे 17 गेंदों पर। कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध एफ बी बी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन के एल राहुल को 593 रन किंग्स 11 पंजाब में थे। टीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन राहुल चाहर 13 विकेट मुंबई इंडियंस में थे। वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन किरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस में शामिल थे। हैरियर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन आंद्रे रसेल स्ट्राइक रेट 205 कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल थे। सर्वाधिक छक्के 52 आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल थे। सर्वाधिक छक्के 64 शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स में। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन सुभमन गिल कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल थे। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद सर्वाधिक टीम स्कोर 232 कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस के विरुद्ध। न्यूनतम स्कोर 17 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रदर्शन अलजारी जोसेफ मुंबई इंडियंस में थे 3.4 ओवर में 12 रन और 6 विकेट सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध। हैट्रिक्स सैम कुरिन किंग्स 11 में शामिल थे पंजाब में। दिल्ली कैपिटल के विरुद्ध एवं श्रेयस गोपाल राजस्थान रॉयल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध। 31 मार्च 2019 को पश्चिम बंगाल के युवा लीग स्पिनर प्रयास रे बर्मन 16 वर्ष 163 दिन आईपीएल में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अब बात करते हैं 15वां विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विश्व कप खेल 2019। ये 14 से 21 मार्च 2019 के मध्य 15वें विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन अबू धाबी में की मेजबानी में किया गया। इस विशेष ओलंपिक में 200 देशों के 7500 से अधिक एथलीटों ने 24 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। 14 मार्च 2019 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान के ने जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में इन खेलों का आधिकारिक शुभारंभ किया। इन खेलों का आदर्श वाक्य है मंजिल तक पहुंचना। 15वें विशेष ओलंपिक में भारतीय दल ने 85 स्वर्ण सहित 154 रजत 129 कांस्य पदक सहित कुल 368 पदक जीते। वर्ष 1968 में स्थापित इन खेलों के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मध्य पूर्व में हुए इन खेलों में 284 सदस्यीय भारतीय दल का यह इस बार रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है। भारत को पारावर लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा 20 स्वर्ण 30 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 96 पदक मिले। सऊदी अरब ने पहली बार 14 महिला एथलीटों को इस खेलों में भाग लेने के लिए हेतु भेजा। समापन समारोह के बाद यूएई ने विशेष ओलंपिक ध्वज स्वीडन को सौंपा। यहां अगले विशेष शीतकालीन विश्व ओलंपिक खेल वर्ष 2021 में आयोजित होंगे। बात करते हैं एफआईएच पुरुष हॉकी
विश्व कप 2018 14वां संस्करण कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा पर संपन्न हुआ 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच। विश्व कप में 16 टीमों ने भाग लिया है। शुभंकर रहा है ओली, एक ओलिव रेडले कछुआ। थीम सॉन्ग रहा है जय हिंद जय इंडिया। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा, स्वर्ण पदक बेल्जियम पहला था, रजत पदक नीदरलैंड्स, कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया। 13 दिसंबर 2018 को भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड से 2-1 से पराजित होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। भारत को प्रतियोगिता में छठा स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द मैच विंसेंट वांस बेल्जियम के, उड़ीसा बेस्ट प्लेयर आर्थन वान डोरेन बेल्जियम के, बेस्ट गोलकीपर फिरमिन ब्लॉक नीदरलैंड के हैं। हॉकी इंडिया वेस्ट जूनियर प्लेयर थिज वैन डैम नीदरलैंड के हैं। हीरो टॉप गोल स्कोरर ब्लैक गोवर्स ऑस्ट्रेलिया एवं अलेक्जेंडर हेंडरिक्स बेल्जियम के। प्रत्येक ने सात 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 गोल किए। फेयर प्ले अवार्ड स्पेन। ठीक है, बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2018। आईसीसी द्वारा प्रकाशित महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का छठा संस्करण वेस्ट इंडीज की मेजबानी में संपन्न हुआ है। विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया है। 24 नवंबर 2018 को विश्व कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मध्य विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम टिगा में खेला गया। विजेता है ऑस्ट्रेलिया, 8 विकेट से 14 खिताब जीता है और विजेता रहा इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल एसले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 200 225 रन बनाए इन्होंने। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैग लेनिन एवं इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट थी। ग्रुप ए के पहले मैच में वेस्टइंडीज के विरुद्ध बांग्लादेश टीम मात्र 46 रन पर ऑल आउट हो गई। महिला T20 विश्व कप में अब तक संपन्न संस्करणों में या किसी भी टीम द्वारा बनाया गया न्यूनतम स्कोर है। ग्रुप बी के पहले मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 51 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही वह महिला T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए, जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा अब तक का उच्चतम स्कोर है। ग्रुप चरण के मैचों के दौरान अजेय रहने वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में मैच में इंग्लैंड से पराजित हो गई। 25 नवंबर 2018 को आईसीसी द्वारा महिला T20 विश्व कप 2018 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा की गई है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी टीम का कप्तान चुना गया है। हरमनप्रीत के अतिरिक्त इस टीम में शामिल 2 भारतीय महिलाएं क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पूनम यादव शामिल हैं। बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019। ठीक है, IAAF द्वारा आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17वां संस्करण दोहा कतर में संपन्न है। 16 सितंबर से 6 अक्टूबर 2019 के बीच हुआ। दोहा मध्य पूर्व का प्रथम शहर है जिसमें इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभंकर या मास्कोट है इसका फलाय है। ठीक, फलाय एक बलिष्ठ बाज है जो कतर के ध्वज में शामिल मरून रंगों का परिधान धारण किए हुए है। ठीक, पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों की स्थिति इस प्रकार रही है। अमेरिका 14 स्वर्ण पहले नंबर पर है, याद रखना अमेरिका, इसमें 14 स्वर्ण 11 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 29 पदक जीते। दूसरे नंबर पर केन्या 5 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ 11 पदक जीते। जमैका 3 स्वर्ण 5 पदक सॉरी 5 रजत 4 कांस्य के साथ 12 पदक जीते। ठीक,
मेजबान कतर एक स्वर्ण तथा एक कांस्य पदक जीतकर 16वें स्थान पर है। भारत का 27 सदस्यीय एथलीट दल इस चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त नहीं कर सका। चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ अमेरिका के क्रिस्टियन कोलमैन ने जीती। ठीक है, चैंपियनशिप में पुर्तगाल के जोआओ वेया बेरा कोई पदक जीतने वाले सबसे उम्र दराज एथलीटिक हैं। 43 वर्षीय वेरा ने पुरुषों की 50 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता। IAAF विश्व चैंपियनशिप में इतिहास में स्पेन के जीजस एंजेल गार्सिया 50 किलोमीटर पैदल चाल चल स्पर्धा में इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सबसे उम्रदराज 49 वर्षीय एथलीट बने। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में अमेरिका की एथलीट दाली लाह मोहम्मद ने स्वर्ण पदक जीता एवं इस स्पर्धा में 52.16 सेकेंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। दाली लाह ने जुलाई 2019 में संपन्न यूएस आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 52.20 सेकेंड के समय के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें सुधार करते हुए अब यह नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। चैंपियनशिप की पहली में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में ब्रिटेन की डीना एजर स्मिथ ने 21.88 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ वह इस स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली ब्रिटिश महिला एथलीट बन गई। 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा का वह स्वर्ण पदक अमेरिका ने अपने नाम किया है। अमेरिका टीम में महिला धावक एलिसन फिलिक्स शामिल थी। फिलिक्स का यह 12वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है। इसी के साथ फिलिक्स ने जमैका की महान धावक उसेन बोल्ट के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 11 स्वर्ण पदक जीतने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चैंपियनशिप के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे हैं। 100 मीटर दौड़, इसमें पुरुष विजेता रहे क्रिस्टियन कोलमैन अमेरिका के हैं। विजेता महिला सैली एन फ्रेजर प्राइस ये जमैका की हैं। 200 मीटर दौड़ में नोहे लाइल्स अमेरिका के हैं और डीना एसर स्मिथ ब्रिटेन की हैं। ठीक है, 400 मीटर दौड़ में स्टीवेन गार्डिनर बहामास के हैं और सालवा ईद नासिर बहरीन की हैं। ठीक है महिला, अब बात कर लेते हैं कुछ आगामी खेल आयोजनों के बारे में। ठीक है, आगामी जो खेल होना है उनके आयोजन कहाँ होना है, ये प्रतियोगिता है और ये स्थल है उनके। ठीक है, 7वां महिला ICC 20 विश्व कप 2020 कहाँ होना है, ऑस्ट्रेलिया में। 7वां पुरुष ICC 20 विश्व कप 2020 ये भी ऑस्ट्रेलिया में होना है। 8वां 20 महिला विश्व कप 2022 में कहाँ होना है, दक्षिण अफ्रीका में। 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में कहाँ होगा, भारत में। 8वां ICC 20 विश्व कप 2021 में कहाँ होगा, भारत में। 12वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021 में कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में। बात करते हैं फुटबॉल, फीफा यू 17 महिला विश्व कप 2020 भारत में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 71 में होना है। फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 21 में चीन में होना है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कनाडा मैक्सिको अमेरिका में होगा, ये याद रखिए। प्रे हॉकी 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप ये भारत में होना है 2023 में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप ये 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में होना है। बात करते हैं विविध कुछ महत्वपूर्ण अन्य, तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोक्यो जापान में होगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन में होगा।
19वें एशियाई खेल 2022 एवं होंगजोंग जो चीन में होगा। चौथे एशियन पैरा एथलीट पैरा खेल 2022 में ये हांग झोउ चीन में होगा। 20वें एशियाई खेल 2026 में नगोया जापान में होगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंगम यूके में होगा। मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2021 नई दिल्ली में भारत में होगा। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2020 में काठमांडू नेपाल में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 में गोवा में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस में होगा। ISSF विश्व कप 2020 में भारत में होगा। 19वें विश्व एक्विटेक्स चैंपियनशिप 2021 जापान में होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण खेल परिणाम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण खेल परिणाम टेनिस हॉपमैन कप 2019 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। विजेता है स्विट्जरलैंड और विजेता है जर्मनी। डेविस कप 2018 ये फाइनल फ्रांस में संपन्न हुआ है। इसका विजेता है क्रोएशिया, दूसरा खिताब है इसका क्रोएशिया का, फ्रांस है और विजेता है फेड कप 2019 फाइनल प्रयाग में संपन्न हुआ है चेक गणराज्य में। ठीक है, इसमें विजेता रहा है फ्रांस और विजेता ऑस्ट्रेलिया। WTA फाइनल्स 2019 में ये अक्टूबर नवंबर 2019 में संपन्न हुआ है। महिला एकल विजेता है एसली बार्टी ऑस्ट्रेलिया और महिला युगल विजेता है तेमिया बाबो सांगरी क्रिस्टीना मिलाडेव नोविकी फ्रांस के। ATP फाइनल लंदन यूके में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल विजेता है स्टेफानोस सिद सेबास ग्रीस के। पुरुष युगल विजेता है फेरेस ह्यूजस हर्बर्ट एवं निकोलस माहू दोनों फ्रांस के। ठीक, याद रखिए। बाकी ये टेनिस प्रतियोगिताएं हैं बस 2019 की। एक पुरुष विजेता है एकल, महिला एकल, ठीक है, वो विजेता जैसे मोंट कार्लो मास्टर्स, एक फीवी मोंट्रिनी मोंट्री मोंटररी ओपन, इसमें उप विजेता महिलाओं की बात करें तो गार्बिने मुगुरुजा स्पेन की हैं और विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस के हैं। फिर मोंटे कार्लो मास्टर्स एक फेवियो फोगनिनी इटली के हैं, ड्यूसन लाजोविक सर्बिया के हैं। ठीक है, BNS परिवास ओपन डोमिनिक थियम है ऑस्ट्रिया की विजेता। उपविजेता है रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के। उपविजेता है महिलाओं में बियंका एंड्रीस्क्यू कनाडा के, एंजल्स कर्वर उपविजेता है जर्मनी की। ठीक है, देख लेना ये, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक के वीडियो देख लेना। ठीक है, जैसे चाइना ओपन हो गया, इसमें पुरुष विजेता में विजेता है डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के, स्टेफानोस सिपास ग्रीस के हैं उपविजेता। महिलाओं में नाओमी ओसाका जापान की हैं, एस्ली वार्टी ये वो उपविजेता है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इसलिए इसी तरह ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें डोमिनिक थियम है पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया के हैं उपविजेता, और एल्बर्ट रामोस बेनोलास स्पेन के हैं उपविजेता। ठीक है, इसी तरह बार्सिलोना ओपन डोमिनिक थियम है ऑस्ट्रिया के विजेता है, और डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं उपविजेता है। ठीक है, इसी तरह होपमैन कप रोजर फेडर हैं विजेता, स्विट्जरलैंड के, अलेक्जेंडर जिब्रेव जर्मनी के उपविजेता है, एंजिल कर्वर जर्मनी की विजेता है महिला में, विलिंडा वेसेंस स्विट्जरलैंड की उपविजेता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्रिकेट। क्रिकेट देवधर ट्रॉफी 2019-20 27वां संस्करण रांची झारखंड में संपन्न हुआ है। विजेता है इंडिया बी 31 रनों से। कप्तान थे इसके पार्थिव पटेल।
विजेता है इंडिया सी, कप्तान थे इसके शुभमन गिल। फिर विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 18वें संस्करण का फाइनल एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में संपन्न हुआ है। प्रतियोगिता का परिणाम रहा है कर्नाटक विजेता रहा है, चौथा खिताब इसका था। कप्तान थे इस कर्नाटक के मनीष पांडे, और विजेता रहा है तमिलनाडु, कप्तान थे दिनेश कार्तिक। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिमन्यु मिथुन कर्नाटक को दिया गया। फाइनल में अभिमन्यु मिथुन ने हैट्रिक प्राप्त की। इस प्रतियोगिता के दौरान 12 अक्टूबर 2019 को खेले गए ग्रुप ए के मैच में संजू सैमसन केरल में ने गोवा के विरुद्ध 212 रनों दो 129 गेंदों की पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर है। साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में किसी विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर है। एसीसी महिला इमेजिंग टीम्स एशिया कप तो श्रीलंका में संपन्न हुआ। प्रतिभागी टीम थी चार, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। विजेता रहा है भारत और विजेता रहा है श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली है हर्षिता मदावी, ये हैं श्रीलंका की। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा। दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न हुआ है। ये हुआ है 20 सितंबर से 14 अक्टूबर 2019 के बीच। दौरे पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा 6 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले गए। T20 श्रृंखला 6 अंतर्राष्ट्रीय टीम T20 मैचों की श्रृंखला भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3-1 से जीते। श्रृंखला का दूसरा एवं तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। श्रृंखला के पहले मैच में भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में पदार्पण किया है। शेफाली 15 वर्ष 239 दिन की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी है। उल्लेखनीय है इससे पूर्व 1978 में गार्गी बनर्जी ने 14 वर्ष 165 दिन की आयु में महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। श्रृंखला का अंतिम T20 मैच भारत की हरमनप्रीत कौर का 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच था। हरमनप्रीत भारत की ओर से 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर महिला अथवा पुरुष में है। T20 श्रृंखला के अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 105 रनों से शिकस्त दी, जो रनों के लिहाज से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की सबसे बड़ी पराजय है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला है भारत। बात करते हैं एक दिवसीय श्रृंखला की। 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से अपने नाम किए। श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से शिकस्त दी। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय महिला टीम द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली है मैरी जेन कैप दक्षिण अफ्रीका को। फिर एसएल श्रृंखला 2019 ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य एसएल श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई है 1 अगस्त से 16 सितंबर 2019 के बीच। एसएच श्रृंखला 2019 ड्रा 2-2 की पारी बराबरी पर रही। इससे पहले वर्ष 1972 में एसएल श्रृंखला ड्रा रही थी। गत विजेता होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने एसएच ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। इस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन तथा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज बेन स्टोक्स इंग्लैंड एवं स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। श्रृंखला में सर्वाधिक रन स्टीव स्मिथ 774 रन बनाए। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट पैट कर्मिंस ऑस्ट्रेलिया ने 29 विकेट लिए। श्रृंखला का दूसरा मैच डरा रहा। इस मैच में एम्पायर अलीम डार पाकिस्तान ने, स्टीव वॉकनर वेस्टइंडीज की टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 228 मैचों में अंपायरिंग रिकॉर्ड की बराबरी की। इसी मैच में आईसीसी के नए नियम कनक्शन सब इंस्टीट्यूट के आधार पर मार्सन लावू सागने ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे
सब स्टीट्यूट खिलाड़ी बने हैं। ठीक, श्रृंखला के तीसरे मैच में इंग्लैंड की पहली बार पारी मात्र 67 रन पर सिमट गई, जो वर्ष 1948 के बाद से ऐसे श्रृंखला में इंग्लैंड का न्यूनतम स्कोर है। पांचवे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान बल्लेबाज करते हुए स्टीव स्मिथ ने 80 रन बनाए। इस ऐसे श्रृंखला 2019 में लगातार छठा अवसर था जब स्मिथ ने 50 रन से अधिक का स्कोर किया है। इसी के साथ स्मिथ किसी एक टीम के विरुद्ध लगातार 10 पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले गेंद बल्लेबाज बन गए। उल्लेखनीय है कि ऐसे श्रृंखला 2019 से पूर्व वर्ष 2017-18 की ऐसे श्रृंखला में स्मिथ ने लगातार 4 पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाया था। बात करते हैं दलीप ट्रॉफी 2019-20। प्रथम सैडी क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में 58 संस्करण का फाइनल एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में संपन्न हुआ है 4 से 8 सितंबर। इसमें विजेता रही है इंडिया रेड, दूसरा खिताब इसका वो विजेता है इंडिया ग्रीन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन करुण नायर 375 रन इंडिया रेड की तरफ से। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट अक्षय वाखरे 14 विकेट इंडिया रेड की तरफ से। विजेता टीम के कप्तान प्रियांक पंचाल एवं उपविजेता टीम के कप्तान फैज फजल थे। भारतीय वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला 2019। भारत एवं वेस्टइंडीज के मध्य 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 2 टेस्ट 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली गई 3 अगस्त से 2 सितंबर 2019 के बीच। प्रथम 2 T20 मैच में फ्लोरिडा अमेरिका में श्रृंखला तथा श्रृंखला के शेष मैच वेस्टइंडीज में खेले गए। T20 श्रृंखला भारत ने श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुणाल पांड्या भारत के। श्रृंखला के अंतिम मैच में दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में मात्र 4 रन देकर 3 विकेट झटके। उल्लेखनीय है कि दीपक यह प्रदर्शन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दूसरे T20 मैच में रोहित शर्मा T20 मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर अब शीर्ष स्थान पर आ गए। एक दिवसीय श्रृंखला 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है 4 से 8 अगस्त सॉरी 4 8 से 14 अगस्त 2019 के बीच में हुई है। भारत ने श्रृंखला 2-0 से जीत ली। श्रृंखला की पहली मैच बारिश के कारण रद्द कर दी गई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली भारत को मिला है। श्रृंखला का दूसरा मैच क्रिस गेल वेस्टइंडीज के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर का 300वां मैच था। ठीक है, टेस्ट श्रृंखला देख लेते हैं। इसमें दौरे पर खेले गए 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए 2-0 से जीत ली है। 22 अगस्त से 2 सितंबर तक हुई है। भारत ने एंटीगा में खेला गया पहला टेस्ट 318 रनों से, किंगस्टन जमैका में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 257 रनों से जीता है। भारतीय तेज गेंदबाज जसमीत बुमराह ने जमैका टेस्ट की पहली पारी में हैट्रिक लिया। यह टेस्ट मैचों में हैट्रिक लेने वाले हरभजन सिंह वर्ष 2001 में कलकत्ता में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध और इरफान पठान वर्ष 2006 में कराची में पाकिस्तान के विरुद्ध के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अंतिम टेस्ट मैच जीतने के साथ ही विराट कोहली टेस्ट मैचों में भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए। विराट के नेतृत्व में भारत की 48 टेस्ट मैचों में यह 28वीं जीत है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने 60 टेस्ट मैचों में से 27 जीत पर जीत दर्ज की थी। ठीक, बात करते हैं विजडन 2019 संस्करण। क्रिकेट की बाइबल के उपनाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश खेल पत्रिका विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक का वार्षिक संस्करण 11 अप्रैल 2019 को प्रकाशित हुआ है। पत्रिका ने अपने 156वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन एवं एली एस्टेयर कुक को स्थान दिया है। विजडन ने वर्ष 2018 के लिए द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का
सम्मान लगातार तीसरी बार भारतीय कप्तान विराट कोहली जी को दिया है। द लैंडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 से प्रारंभ विजडन के नए अवार्ड द लैंडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड के विजेता अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान लगातार दूसरी बार बने। विजडन वर्ष की पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2018 में विराट कोहली भारत के, जोस बटलर इंग्लैंड के, टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड, रोरी वर्ष इंग्लैंड, सैम कुरेन इंग्लैंड। ठीक है, बात करते हैं ACC U19 एशिया कप 2019 श्रीलंका की मेजबानी में संपन्न हुआ है। भारत विजेता रहा है, सातवां खिताब इसका भारत का, वो विजेता है बांग्लादेश रहा है। फाइनल का मैच प्लेयर ऑफ द मैच मिला है आर्थर अंकोलकर भारत के, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्जुन आजाद भारत के। महिला T20 चैलेंज 2019 BCCI द्वारा प्रशासित महिला T20 चैलेंज का दूसरा संस्करण सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में संपन्न हुआ है। प्रतिभागी टीम थी तीन, सुपर नोवाज कप्तान थे इसके हरमनप्रीत कौर, ट्रेल ब्लेजर्स कप्तान थी स्मृति मंधाना, वेलोसिटी कप्तान थी मैताली राज। ठीक है, विजेता रही है इसमें विजेता सुपर नोवाज 4 विकेट से, और विजेता वेलोसिटी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल हरमनप्रीत को मिला है कौर को सुपर नोवाज। प्लेयर ऑफ द सीरीज जेमेमा रोडिगेज सुपर नोवाज को। ठीक, बात कर लेते हैं विजडन इंडिया अल्मानेट 2019-20। विजडन इंडिया अल्मानेट 2019-20 सातवां संस्करण प्रकाशित हुआ है। विजडन इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 में जसप्रीत बुमराह भारत के, स्मृति मंधाना भारत, फखर जामा पाकिस्तान, देमुथ करुणा रत्ने श्रीलंका, राशिद खान अफगानिस्तान। विजडन इंडिया हॉल ऑफ द फेम गुंडप्पा विश्वनाथ एवं लाला अमरनाथ दोनों भारत के। प्रशांत केदांबी की पुस्तक क्रिकेट कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑफ इंडिया टीम को विजडन इंडियन फर्स्ट की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना गया। बात करते हैं आयरलैंड अफगानिस्तान क्रिकेट श्रृंखला। आयरलैंड और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के मध्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला संपन्न हुई है 21 फरवरी से 18 मार्च 2019 के बीच। इस दौरान दोनों टीमों के मध्य 3 T20, 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 1 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली गई। सभी मैच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में खेले गए। T20 श्रृंखला 21 से 24 फरवरी 2019 के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला अफगानिस्तान ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीती है। ठीक है, याद रखना अफगानिस्तान की मोहम्मद नबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। राशिद खान ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में हैट्रिक सहित लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लिए। इसके साथ ही वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए। 23 फरवरी 2019 को T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड के विरुद्ध 3 विकेट पर 278 रन बनाए, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी टीम द्वारा एक पारी में सर्वाधिक रनों का नया विश्व रिकॉर्ड है। 30 अगस्त 2019 को तुर्की के विरुद्ध खेलते हुए चेक गणराज्य की टीम ने इस विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बात करते हैं एक दिवसीय श्रृंखला 28 फरवरी से 10 मार्च 2019 के बीच। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबरी कर समाप्त हुई है। इस श्रृंखला का दूसरा मैच वर्षा होने के कारण रद्द हो गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड्रयू वल्बिनी आयरलैंड की, श्रृंखला में सर्वाधिक 215 रन बनाए इन्होंने। ठीक है, श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट जॉर्ज डॉकरेल आयरलैंड के, कुल 8 विकेट लिए। एकमात्र टेस्ट मैच 15 से 18 मार्च 2019 के बीच अफगानिस्तान ने 7 विकेट से विजय हुआ है। यह टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान की पहली जीत।
बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम का भारत दौरा। ऑस्ट्रेलिया टीम का भारत दौरा 2019। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न हुआ है 24 फरवरी से 13 मार्च 2019 तक। इस दौरान दो T20, 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेली गई। एक दिवसीय श्रृंखला 2 से 13 मार्च 2019 के बीच। 5 दिवसीय मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में सर्वाधिक रन 383 बनाए इन्होंने। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट फैट कमिंस के ऑस्ट्रेलिया के कुल 14 विकेट लिए हैं। भारत ने श्रृंखला के पहले दो मैच जीते और दूसरे मैच में जीत के बाद ही भारत ने एक दिवसीय प्रारूप में अपनी 500वीं जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। बात करते हैं T20 श्रृंखला, तो ये 24 से 27 फरवरी 2019 के बीच हुई। दो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप करते हुए 2-0 से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया को मिला है। श्रृंखला में सर्वाधिक 169 रन बनाए। बात करते हैं ईरानी कप 2018-19। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में संपन्न हुआ है 12 से 16 फरवरी। विदर्भ ने पहली बार बढ़त के आधार पर लगातार दूसरी बार शेष भारत को पराजित कर यह कप जीत लिया है। विदर्भ अक्षर कार्निवर को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। फिर U19 कूच बिहार ट्रॉफी 2018-19 BCA स्टेडियम नागपुर में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता रहा है उत्तर प्रदेश और विजेता रहा है विदर्भ। उत्तर प्रदेश टीम के कप्तान आर्यन शर्मा को शर्मा एवं विदर्भ के कप्तान यश कदम थे। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड का दौरा न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है 23 से जनवरी से 10 फरवरी 2019 के बीच। दौरे में 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों तथा 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए। एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो भारत ने 4-1 से श्रृंखला जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद शमी भारत को। श्रृंखला में सर्वाधिक रन अंबाती रायडू भारत 190। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट 10 बोल्ट न्यूजीलैंड के 12 विकेट। इस श्रृंखला के दौरान मोहम्मद शमी सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए 56 मैचों में। ठीक, बात करते हैं टी ट्वेंटी श्रृंखला न्यूजीलैंड ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कोलिन मुनरो न्यूजीलैंड को। प्लेयर ऑफ द सीरीज टिम सेफर्ट न्यूजीलैंड को मिला है। श्रृंखला में सर्वाधिक 139 रन बनाए हैं। बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2018-19। भारत की प्रथम श्रेणी की घरेलू चैंपियनशिप का 85वां संस्करण संपन्न हुआ है 1 नवंबर 2018 से 7 फरवरी 2019 तक हुआ है। प्रतिभागी टीम रही है 37। फाइनल मैच का आयोजन हुआ है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में। प्रतियोगिता का परिणाम रहा है विजेता रहा है विदर्भ 78 रनों से लगातार दूसरी खिताब जीता है और विजेता रहा है सौराष्ट्र। फाइनल का मैन ऑफ द मैच आदित्य सरवटे को मिला है विदर्भ को। बिहार के गेंदबाज आशुतोष अमन ने प्रतियोगिता में सर्वाधिक 68 विकेट प्राप्त किए। अमन ने रणजी ट्रॉफी के एक सत्र में विशन सिंह बेदी के सर्वाधिक विकेट 64 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बात करते हैं आगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा। भारत तथा न्यूजीलैंड के मध्य 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला न्यूजीलैंड में संपन्न हुई है। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज स्मृति मंधाना भारत को मिली है। श्रृंखला में 196 रन बनाए इन्होंने। श्रृंखला का अंतिम मैच भारतीय कप्तान मैथाली राज का 200वां मैच था। इसी के साथ वह 201 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। बात करते हैं भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2018-19। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा संपन्न हुआ है 21 नवंबर 2018 से 18 जनवरी 2019 तक। दौरे के दौरान 3 T20, 4 टेस्ट और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। T20 श्रृंखला में तीन
T20 मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर संपन्न हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज शिखर धवन भारत को मिली है। श्रृंखला में 117 रन बनाए उन्होंने सर्वाधिक। फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी टेस्ट श्रृंखला 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीत की लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा भारत को मिला है। सर्वाधिक रन बनाए उन्होंने 521 श्रृंखला में। ठीक है, एक दिवसीय श्रृंखला 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई। भारत ने 2-1 से श्रृंखला जीत ली। प्लेयर ऑफ द सीरीज महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। 22 जनवरी 2019 को श्रृंखला का पहला एक दिवसीय मैच जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000वीं जीत हासिल करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई। बात करते हैं एशिया कप 2019-18। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में संपन्न हुआ 15 से 28 सितंबर 2018 के बीच। इसमें विजेता रहा है भारत 3 विकेट से और 7वां खिताब है वो विजेता रहा है बांग्लादेश। प्लेयर ऑफ द सीरीज शिखर धवन को मिला है। भारत ये टूर्नामेंट में सर्वाधिक 342 रन बनाए। इस टूर्नामेंट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी 201 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले भारत के पहले तथा विश्व के तीसरे कप्तान बने। बात करेंगे हम लोग हॉकी के बारे में। ठीक है, हॉकी तो भारतीय हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई हुई है। भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु क्वालिफाई हो गई है। भुवनेश्वर में आयोजित FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स में भारतीय पुरुष टीम ने रूस को पराजित कर वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता प्राप्त की है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को पराजित कर टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की है। बात करते हैं सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2019 पुरुष की इस U21 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का 9वां संस्करण मलेशिया में संपन्न हुआ है 12 से 19 अक्टूबर 2019 के बाद। इसमें प्रतिभागी टीम रही है 6, कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, मलेशिया। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने, तीसरा खिताब है इसका। रजत पदक जीता है भारत ने और कांस्य पदक जीता है मलेशिया ने। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल शीलानंद लाकड़ा भारत ने किए 5 गोल। प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड न्यूजीलैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ओलिवर पेन ग्रेट ब्रिटेन को मिला है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप 2019 93 संस्करण का फाइनल चेन्नई में संपन्न हुआ। इसका परिणाम रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3-1 से विजेता रहा है। उपविजेता रहा है पंजाब नेशनल बैंक। बात करते हैं FIH सीरीज 2018-19 FIH पुरुष हॉकी सीरीज का प्रथम संस्करण 28 जून 2018 से 23 जून 2019 तक चला। इस सीरीज में कुल 55 टीमें 5 कन्फेडरेशंस ने प्रतिभाग किया है। शामिल 55 टीमों में से 24 ने FIH सीरीज फाइनल से हेतु अर्हता प्राप्त की, जिसका आयोजन मलेशिया, भारत तथा फ्रांस में किया गया। प्रतियोगिता परिणाम देखते हैं तो कुआलालंपुर मलेशिया फाइनल्स में स्वर्ण पदक कनाडा ने, रजत पदक मलेशिया, कांस्य पदक इटली, भुवनेश्वर भारत ने फाइनल्स में स्वर्ण पदक भारत, रजत पदक दक्षिण अफ्रीका, कांस्य पदक जापान, ले तोकेट फ्रांस फाइनल्स में स्वर्ण पदक जीता है फ्रांस ने, रजत पदक जीता है आयरलैंड और कांस्य पदक जीता है दक्षिण कोरिया ने। भुवनेश्वर भारत में हुए FIH मुकाबले के में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनप्रीत सिंह भारत को, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जोनाथन किलाजेस अमेरिका को, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी विवेक प्रसाद भारत को। अब बात करते हैं महिला FIH सीरीज फाइनल्स 2018-19
हॉकी सीरीज 2018-19 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है 8 से 27 जून 2019 के बाद। मेजबान देश रहा है आयरलैंड, जापान, स्पेन। प्रतिभागी टीम रही है 5 कन्फेडरेशंस की 24 टीमें। प्रत्येक फाइनल्स की शीर्ष 2 टीमों ने FIH महिला ओलंपिक क्वालिफाइज हेतु अर्हता प्राप्त की। FIH सीरीज फाइनल्स बैनब्रिज आयरलैंड में, तो इसमें दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता है आयरलैंड और कांस्य पदक जीता है मलेशिया ने। FIH सीरीज फाइनल्स हिरोशिमा जापान में हुआ, जो इसमें स्वर्ण पदक भारत ने, रजत पदक जापान ने, कांस्य पदक चिली ने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रानी रामपाल भारत की हैं। FIH सीरीज फाइनल्स वैलेंसिया स्पेन में हुआ है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है स्पेन ने, रजत पदक जीता है कनाडा ने और कांस्य पदक जीता है इटली ने। अब बात करते हैं अगला, सुल्तान अजलान शाह कप 2019। 28वां संस्करण इपोह मलेशिया में संपन्न हुआ है 23 से 30 मार्च 2019 के बीच। प्रतियोगिता का परिणाम की बात करें तो स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया ने, ये तीसरा खिताब है इसका, रजत पदक भारत ने, कांस्य पदक मलेशिया ने। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार भारत को चुना गया। टॉप स्कोरर मनदीप सिंह भारत के हैं, जांग जोंग ह्यूम दक्षिण कोरिया के, दोनों ने सात सात गोल किए। फेयर प्ले अवार्ड जापान को मिला है। आगे बात करते हैं, 53वां अखिल भारतीय बॉम्बे गोल्ड कप 2019 महिंद्रा स्टेडियम मुंबई में संपन्न हुआ है 4 से 13 मार्च 2019 के बीच। इसमें विजेता रहा है इंडियन ऑयल बेंगलोर और विजेता रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक जलंधर। ठीक है, फिर है 9वीं राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2019 डिवीजन बी हेतु 7 से 20 जनवरी 2019 के मध्य चेन्नई में, तथा डिवीजन ए हेतु 21 जनवरी से 10 फरवरी 2019 के मध्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुई है। प्रतियोगिता का परिणाम डिवीजन ए, इसमें विजेता रहा है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और उपविजेता रहा है हॉकी पंजाब। डिवीजन बी की बात करें तो इसमें तमिलनाडु विजेता रहा है, उपविजेता रहा है केंद्रीय सचिवालय। ठीक, बात करते हैं 55वां नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट 2018, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ये हुई है 14 से 25 नवंबर 2018 के बीच। इसमें विजेता रहा है भारतीय रेलवे 2-1 से और उपविजेता रहा है पंजाब नेशनल बैंक। बात करते हैं 23वीं महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 सॉरी 2018 चांग जो चीन में संपन्न हुआ है, स्वर्ण पदक जीता है इसमें नीदरलैंड ने, 7वां खिताब है नीदरलैंड, रजत पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया, कांस्य पदक जीता है अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इवा डे गोएडे नीदरलैंड के हैं, सर्वाधिक गोल स्कोर मार्जिन बीन नीदरलैंड के हैं, 5 गोल किए हैं इन्होंने। बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, ठीक है, जो फुटबॉल से संबंधित मुख्य तत्व हैं 2018-19 के, उन्हें भी देख लेते हैं। सेफ यू18 चैंपियनशिप 2019 तीसरा संस्करण काठमांडू नेपाल में संपन्न हुआ है 20 से 29 सितंबर 2019 के मध्य। ठीक है, इसमें प्रतिभागी टीमें रही हैं 6। प्रतियोगिता परिणाम रहा है भारत जीता है इसमें विजेता, पहला खिताब है भारत का और विजेता रहा है बांग्लादेश। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल तनवीर हुसैन बांग्लादेश ने, फैसल अहमद रहीम बांग्लादेश और गुरकीरत सिंह भारत ने, प्रत्येक ने 2-2 की। ठीक, फिर 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में संपन्न 10 से 24 सितंबर 2019 के बाद। तो इसके परिणामों की बात करें तो विजेता रहा है मणिपुर, 20वां खिताब है मणिपुर, उपविजेता रहा है रेलवे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल बाला देवी मणिपुर की है, 21 गोल किए हैं। फिर अगला है सुबोतो कप 2019 हीरक जयंती संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। प्रतियोगिता का परिणाम रहा है यू14 बालक वर्ग
तो इसमें विजेता रहा है सैडन सेकेंडरी स्कूल मिजोरम, उप विजेता रहा है यूनिक मॉडल एकेडमी मणिपुर। यू 17 बालक वर्ग में विजेता रहा है होपवेल एलियास हायर सेकेंडरी स्कूल मेघालय, और उप विजेता रहा है क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान बांग्लादेश। ठीक रहे यूफा सुपर कप 2019 44वां संस्करण इस्तांबुल तुर्की में संपन्न हुआ है। प्रतियोगिता परिणाम रहा है विजेता रहा है लिवरपूल, चौथा इसका खिताब है, और विजेता रहा है चेल्सी। करे डूरंड कप 2019 तो 129वां संस्करण कोलकाता में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है गोकुलम केरला एफसी 2-1 से, इसका पहला खिताब है, और विजेता रहा है मोहन बगान। बात करते हैं अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019, इस द्विवार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मिस में संपन्न हुआ है। इसका परिणाम रहा है अल्जीरिया विजेता रहा है, अल्जीरिया का ये दूसरा खिताब है, सेनेगल इसमें उप विजेता रहा है। फिर बात करते हैं हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2019, ये अहमदाबाद में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता रहा है उत्तर कोरिया, पहला खिताब है इसका, और उप विजेता रहा है तजाकिस्तान। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल सुनील छेत्री भारत ने, जोंग एल गुआन और री होंग जिन उत्तर कोरिया ने प्रत्येक ने तीन तीन गोल किए। ठीक फिर बात करते हैं कौन कौन सा कैप गोल्ड कप 2019, तो ये 15वां संस्करण अमेरिका कोस्टा रिका तथा जमैका की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है मैक्सिको, मैक्सिको का ये 8वां खिताब है, और विजेता रहा है अमेरिका। फिर कोपा अमेरिका 2019 ये 46वां संस्करण है, ब्राजील में संपन्न हुआ है। इसमें प्रतिभागी टीम रही है दो कन्फेडरेशन की 12 टीमें, शुभंकरता जिजेटो। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो इसमें ब्राजील विजेता रहा है, 9वां खिताब है ब्राजील का, 3-1 से जीता है, और विजेता रहा है पेरू। प्रतियोगिता में पदक पुरस्कारों की बात करें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी डैनी अल्वेस ब्राजील के हैं, सर्वाधिक गोल एवर्टन ब्राजील एवं पाओलो गुरेरो पेरू के हैं, दोनों ने तीन तीन गोल किए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं एलिसन ब्राजील के, फेयर प्ले ट्रॉफी ब्राजील को मिली है। बात करते हैं किंग्स कप 2019, ये 47वां संस्करण है, थाईलैंड में हुआ है। प्रतिभागी टीम रही है चार, कुराकाओ वियतनाम भारत थाईलैंड। प्रतियोगिता का परिणाम है विजेता रहा है कुराकाओ, पहला किताब इसका, पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से, वो विजेता रहा है वियतनाम, और तृतीय स्थान पर रहा है भारत। फिर यूफा नेशंस लीग फाइनल्स 2019 ये पुर्तगाल में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है पुर्तगाल, पुर्तगाल का ये पहला किताब है, और विजेता रहा है नीदरलैंड। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्नाडो सेल्वा पुर्तगाल को मिला है। बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फ्रेंकी डी जोंग नीदरलैंड्स। टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के हैं, कुल तीन गोल किए हैं इन्होंने। फिर यूफा चैंपियनशिप चैंपियंस लीग 2018-19 64वां संस्करण मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है लिवरपूल, 6वां किताब है इसका, और वो विजेता रहा है टॉटनहैम हॉट स्पर। शीर्ष गोल स्कोर रहा है लियोनल मेसी वार्सिलिया वार्सिलोना की। फिर कोपर डेल रे 2018-19 ये हुआ है सेविली स्पेन में, इसमें विजेता रहा है वेलेंसिया एफसी, और उप विजेता रहा है वार्सिलोना। ठीक है वेलेंसिया एफसी का ये 8वां किताब है। फिर बात करते हैं फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 8वां संस्करण फ्रांस में संपन्न हुआ है, 7 जून से 7 जुलाई 2019 के बीच। परिणाम की बात करें तो विजेता रहा है अमेरिका लगातार दूसरा तथा कुल चौथा खिताब है इसका, और विजेता रहा है नीदरलैंड। प्रतियोगिता में प्रदत्त पुरस्कारों की बात करें एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड मैगन रेपेनो अमेरिका के हैं, एडिडास गोल्डन बूट अवार्ड्स मैगन रेपेनो अमेरिका के हैं, एडिडास गोल्डन ग्लव अवार्ड सारी वैन वेनीडाल नीदरलैंड के हैं, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जूलिया गिवन जी जर्मनी के हैं, फीफा फेयर प्ले ऑफ ट्रॉफी फ्रांस को।
अमेरिका कप्तान मैगन रिपिनो 3 विश्व कप फाइनल खेलने वाले अमेरिका की पहली तथा विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। मैगन के अलावा जर्मनी की ब्रिजिट फ्रेंच ने यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व कप में अमेरिका द्वारा कुल 26 गोल किए गए जो किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक हैं। 34 वर्षीय अमेरिकी कप्तान रेपिनो महिला विश्व कप के फाइनल में गोल करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बनी। बात करते हैं 5वें सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 के बारे में। ये नेपाल में हुई है। प्रतिभागी टीम रही है 6। कौन कौन सी? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। परिणाम रहा है भारत विजेता रहा है 3-1 से। लगातार 5वां खिताब है इसका। नेपाल उप विजेता रहा है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं दांग मेई ग्रेस, भारत की हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल इंदुमती कैथी रेसान, भारत के हैं, और सविता भंडारी, ये नेपाल की हैं। दोनों ने 4-4 गोल किए। ला लीगा 2018-19 88वां संस्करण विजेता टीम घोषित हुआ है बार्सिलोना, ये 26वां खिताब है इसका। फ्रेश संतोष ट्रॉफी 2018-19 लुधियाना पंजाब में संपन्न हुआ है। विजेता रही सेना 1-0 से, ये 6ठा खिताब है सेना का, और विजेता रहा है पंजाब। फिर हीरो सुपर कप 2019 दूसरा संस्करण कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता रहा है गोवा FC 2-1 से, और विजेता रहा है चेन्नई FC। फिर बात करते हैं हीरो इंडियन सुपर लीग 2018-19, ये 5वां संस्करण का फाइनल मैच मुंबई फुटबॉल एरिना मुंबई में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है बंगलुरु फुटबॉल क्लब, पहला किताब इसका, और विजेता रहा है गोवा फुटबॉल क्लब। हीरो ऑफ द लीग फेरान कोरुमिनास गोवा फुटबॉल क्लब को, सावोमी गोल्डन ग्लव गुरप्रीत सिंह संधू बेंगलोर फुटबॉल क्लब, स्विफ्ट गोल्डन बूट फेरान कोरुमिनास गोवा फुटबॉल क्लब को, ISL इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन सहाल अब्दुल समद केला बिलास्टर्स फुटबॉल क्लब को मिला। बात करते हैं हीरो आई लीग 2018-19 12वां संस्करण भारत के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब, और विजेता रहा है मिनर्वा पंजाब फुटबॉल क्लब। ठीक। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल पेड्रो माजी चेन्नई सिटी ने, और विलीस प्लाजा चर्चिल विदर्स दोनों ने 21-21 गोल। फेयर प्ले अवार्ड सेलांग लाजोंग, हीरो ऑफ द लीग फेडो माजी चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब। बात करते हैं हीरो महिला गोल्ड कप 2019 कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ है। इसका विजेता रहा है म्यांमार 3-1 से, और विजेता रहा है नेपाल। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं विन थेंगी तुंग म्यांमार के, शीर्ष गोल स्कोरर हैं सविता भंडारी एवं ई बू म्यांमार के, दोनों ने 4-4 गोल किए। फेयर प्लेयर अवार्ड म्यांमार को भारतीय टीम की कप्तान अदिति चौहान और मुख्य कोच माय मोल रॉकी थी। माय मोल रॉकी भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की प्रथम महिला कोच हैं। बात करते हैं AFC एशियन कप 2019 एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई है। इसमें विजेता रहा है कतर, प्रथम खिताब इसका, और विजेता जापान, शीर्ष गोल स्कोरर एल्मोएज अली रहे हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है अल्मोएज अली कतर के हैं। फिर फीफा क्लब विश्व कप 2018 ये 15वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में संपन्न हुआ है। विजेता रहा है स्वर्ण पदक रियल मैड्रिड स्पेन 4-1 से, ये 14वां खिताब इसका, विजेता है अल आयन फुटबॉल क्लब संयुक्त अरब अमीरात। एंडी दास गोल्डन बॉल और अली बाबा क्लाउड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गारेथ बेल रियल मैड्रिड। ठीक है, बात करेंगे हम लोग बैडमिंटन के बारे में। ठीक, तो इस पहला है सारलो लक्स ओपन 2019, ये जर्मनी में हुआ है। इसके में विजेता है लक्ष्य सेन भारत, और विजेता है बैंग हांग यांग चीन। डच ओपन 2019 के बाद यह लक्ष्य सेन का दूसरा लगातार WBC
BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब है, फ्रेंच ओपन 2019 फिर फ्रांस में हुआ है। इसके परिणाम की बात करूं तो पुरुष में है चेन लांग चीन के, महिला में है एन सी यंग दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल उप विजेता है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी, दोनों भारत के। दुबई इंटरनेशनल चैलेंज 2019 यूएई में हुआ है। परिणाम है इसमें महिला में बात करें एकल में तो माको ओरिसी जाकी जापान के हैं, वो विजेता है ऋतुपर्णा दास भारत की। फिर डेनमार्क ओपन 2019 ये हुआ है ओंडसे डेनमार्क में। पुरुष एकल में विजेता है केंटो मोमाता जापान के, महिला एकल में विजेता है ताई तिजू यंग चीनी ताइपे। फिर BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2019 इसमें कजान रूस में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल विजेता है कुनला बुद्ध विधि दर्शन दशन थाईलैंड के, महिला एकल में यू19 में रिको गुनजी जापान की है। टीम स्पर्धा इंडोनेशिया और विजेता रही है चीन, विजेता रही है इंडोनेशिया। फिर बहरीन इंटरनेशनल सीरीज 2019 ये बहरीन में हुई है। इसमें पुरुष एकल विजेता है प्रियांशु राजावत भारत के हैं और महिला एकल विजेता है फातमावती इंडोनेशिया की, उप विजेता है ईरा शर्मा भारत की। पुरुष एकल उप विजेता रोहन कपूर और सौरभ शर्मा दोनों भारत के। मिश्रित युगल विजेता में वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन दोनों भारत के। बात करते हैं अन्नापूर्ण नेपाल इंटरनेशनल सीरीज 2019 ये नेपाल में हुई है। पुरुष एकल की बात करें तो विजेता रहे हैं सेंग जोई ई हो और मलेशिया के हैं, और विजेता हैं स्वर्णराज बोरा भारत के। महिला की बात करें तो मालविका बंसूद भारत की हैं, और विजेता हैं गायत्री पुलेला गोपीचंद भारत की हैं। ठीक, पुरुष युगल की बात करें तो रोहन कपूर और सौरभ शर्मा दोनों भारत के हैं। मिश्रित युगल विजेता वेंकट गौरव प्रसाद जूही देवांगन दोनों भारत के हैं। और यहीं देख लेते हैं हम लोग BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 ये हुआ है बासेल स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है 29 से 25 अगस्त 2019 के बीच। जापान ने 2 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो पुरुष एकल में स्वर्ण पदक केंटो मोमोता जापान ने, रजत पदक एंडरसन एंटोन शेन डेनमार्क ने, कांस्य पदक बी साई पीड़ित भारत ने एवं कांता होन वांग चारोइन थाईलैंड ने। महिला की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है पीवी सिंधु भारत ने, रजत पदक जीता है नोजोमी ओकुहारा जापान ने, कांस्य पदक जीता है राख्ता राथचा नो इंतानोन थाईलैंड एवं चेन यू फेई चीन ने। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। विश्व चैंपियनशिप में सिंधु का 5वां पदक है। इसके साथ ही सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में महिला एकल स्पर्धा में संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई है। उल्लेखनीय है कि सिंधु के अतिरिक्त पूर्व ओलंपिक चैंपियन झांग निंग चीन ने भी 2001 से 2007 के मध्य विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल में 5 पदक 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य जीते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं मालदीप इंटरनेशनल चैलेंज 2019 माले मालदीप में संपन्न हुआ है। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो पुरुष एकल कौशल धर्मामय भारत के हैं, विजेता है सरिल वर्मा भारत के। पुरुष युगल उप विजेता अर्जुन जॉर्ज और सैम शुक्ला दोनों भारत के हैं। महिला युगल उप विजेता की बात करें सुनी पोनप्पा एवं एन सिक्की रेड्डी दोनों भारत के हैं। फिर मालदीव इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज 2019 ये भी माले मालदीव में संपन्न हुई है। पुरुष एकल विजेता की बात करें तो स्वर्ण पदक कांता वात लीला बेचावत थाईलैंड के हैं, रजत पदक केविन अरोकिया वाल्टर जी भारत के हैं, कांस्य पदक सेयांस जायसवाल ये भी भारत के। महिला एकल की बात करें तो स्वर्ण पदक मालविका वंशुद ये भारत के, रजत पदक थेट हतार
यार ये भी म्यांमार के हैं। कांस्य पदक श्रुति मुंदाना मुंदादा ये भारत के हैं। ठीक। यूनिक्स डच ओपन 2019 तो नीदरलैंड में सपन हुआ है। प्रतियोगिता पेड़ा राय पुरुष में लक्ष्य सेन भारत और उपविजेता यूसी के ओनो डेरा जापान के हैं। थ्रेड डब्ल्यू बी डब्ल्यू एफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 बासेल स्विट्जरलैंड में सपन हुआ है। चीन 7 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण 4 रजत 5 कांस्य पदक के साथ कुल 12 पदक जीते। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता है प्रमोद भगत पुरुषेकल एस एल थ्री मानसी गिरीश चंद जोशी महिला एकल प्रमोद भगत और मनोज सरकार पुरुष एकल में। ठीक। हैदराबाद ओपन जी एम सी बालयोगी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में सम्पन्न हुआ है। पुरुष एकल है सौरभ वर्मा भारत के। महिला एकल में जियो जिया मिन सिंगापुर। पुरुष युगल में मोहम्मद सोहेबुल सीकरी बागस मौलाना दोनों इंडोनेशिया के। महिला युगल की बात करें तो बाई हाना एवं जंग क्यूंग यूनी दोनों दक्षिण कोरिया के। उपविजेता अश्विनी और पन्ना पोनप्पा एन सिक्की रेड्डी दोनों भारत के। ठीक। फिर थाईलैंड ओपन ये बैंकॉक थाईलैंड में सम्पन्न हुआ है। पुरुष युगल हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी दोनों भारत के। उपविजेता हैं ली जुनहोई लियू यू चेन दोनों चीन के हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी बी डब्ल्यू एफ सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। फिर इंडोनेशिया ओपन 2019 जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। इसके विजेता हैं चो तेन ये चीन चैन चीनी ताइपे। वो विजेता हैं एंडरसन एंटोन सेन डेनमार्क के। महिला एकल की बात करें अकाना यामा गुची जापान के। पीवी सिंधु वो विजेता हैं भारत के। फ्राइट नाइट्स 2019 रूस में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल विजेता है इस्कंदर जुल्क जुलकर नैन मलेशिया के। उपविजेता है सिद्धार्थ ताप सिंह भारत के। आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल ये भी आइवरी कोस्ट में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता है पुरुष एकल में अलाप मिश्रा भारत के। उपविजेता है चिराग सेन भारत की। महिला की बात करें तो थेट हार्टर थुजार म्यांमार की है विजेता। उपविजेता है श्री कृष्णा कोदरावल्ली भारत की। फिर यूनेक्स कनाडा ओपन 2019 तो ये कनाडा में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल विजेता ली सी फिंग चीन की है। उपविजेता है पारुपल्ली कश्यप भारत की। फिर सुधीरमन 2019 तो विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 नानिंग चीन में संपन्न हुआ है। स्वर्ण पदक जीता है चीन ने 3-0 से 11वां खिताब इसका। रजत पदक जीता है जापान ने। एफ जेड फोर्जा स्लोवेनिया इंटरनेशनल 2019 मेड वोडे स्लोवेनिया में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल विजेता है सौरभ वर्मा भारत के। महिला एकल विजेता है किलारा अंजूर मेंडी स्पेन की। महिला युगल उपविजेता पूजा डांडू एवं संजना संतोष दोनों भारत के। फिर एयर बैडमिंटन एंड टिपल्स मई 2019 में बैडमिंटन को शामिल को शासित करने वाले विश्व निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इस खेल को 2 नए पैरों एयर बैडमिंटन और टिपल्स लॉन्च किया है। पारंपरिक बैडमिंटन में इन 2 नए प्रारूपों के बीच मुख्य अंतर शटल कॉक की डिजाइन और कोर्ट के आकार में है। पारंपरिक इंडोर बैडमिंटन खेल के विपरीत एयर बैडमिंटन आउटडोर खेल होगा। ट्रिपल्स प्रारूप मैच 3 खिलाड़ियों की टीम के बीच खेला जाएगा जिसमें प्रत्येक टीम में एक कम से कम एक महिला खिलाड़ी का होना अनिवार्य होगा। नए प्रारूप में उपयोग की जाने वाली शटल को एयर शटल कहा जाए। तो फिर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2019 तो ये वुहान चीन में संपन्न हुआ है। बात करें इसके विजेताओं की तो पुरुष एकल में विजेता है केंटो मोमोता जापान के। महिला एकल में अकाने यामागुची जापान की। फिर प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018-19 ये 14वां संस्करण कांति रवा इंडोर स्टेडियम बेंगलोर में हुआ है।
विजेता है बंगला रैपटर्स, पहला खिताब है मुंबई रॉकेट्स उप विजेता है, इंडियन ऑयल प्लेयर ऑफ द मैच किदाम्बी श्रीकांत, बेंगलोर रैपटर्स स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग किदाम्बी श्रीकांत बेंगलोर रैपटर्स, इंडियन ऑयल प्लेयर ऑफ द लीग समीर वर्मा मुंबई रॉकेट्स। बात करेंगे टेबल टेनिस के बारे में, ठीक। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग, अल्टीमेट टेबल टेनिस के तीसरे संस्करण का फाइनल नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये हुआ है 11 अगस्त 2019 को। प्रतिभागी टीम रही है छह, चेन्नई लायंस, दबंग दिल्ली टीटीसी और गोवा चैलेंजर्स, फोनेरी पल्टन टेबल टेनिस, आरपीएसजी मावेरिक्स कोलकाता और यू मुंबा टीटी। इसमें विजेता रही है चेन्नई लायंस 8-1 से और उपविजेता रही है दबंग दिल्ली। प्रतियोगिता में प्रदत्त पुरस्कारों की बात करें तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे हैं पुरुष में जी साथियान दबंग दिल्ली के, ठीक। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी महिला में दू होई केम यू मुंबा की, ठीक। बात करते हैं 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019, एक कटक उड़ीसा में हुआ है। इसमें विजेता पुरुष में रहे हैं हरमीत देसाई भारत के, महिला में विजेता आहिका मुखर्जी भारत की, पुरुष एकल में एंथोनी अमलराज और मानव विकास ठक्कर दोनों भारत के हैं, महिला युगल में पूजा सहस्त्र बुद्धे और कृतिविका सिंघा रॉय दोनों भारत की हैं, विजेता मिश्रित युगल में जी साथियान अर्चना जी कामत दोनों भारत के हैं। ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप बूडापेस्ट हंगरी में, इसमें पुरुष एकल विजेता है मा लांग चीन, महिला एकल विजेता है लियो सेविन चीन, ठीक। फ्रेसिवी सैनी सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2018 एक कटक उड़ीसा में हुई है। इसमें पुरुष एकल विजेता है अचंत शरद कमल और महिला एकल विजेता है अर्चना ग्रीस कामत। ITTF पुरुष विश्व कप 2018 39वां संस्करण पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता रहा है फान झेन डोंग चीन। अब बात करते हैं शतरंज खेल के बारे में। फेडे महिला ग्रैंड प्रिक्स सीरीज 2019 प्रथम संस्करण रूस में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता रहा है कोनेरू हम्पी भारत के और उपविजेता है जू वेन जुन चीन के। फिर एंथेंस ऑफ ईस्ट प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2019 ये मदुरई तमिलनाडु में संपन्न हुआ है। प्रतियोगिता परिणाम श्रेणी ए में बोरिस सेवचिन चिंको रूस को मिला है विजेता है और उपविजेता है सायंतन दास भारत के। फिर बीएल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 52वां संस्करण स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। इसके ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट विजेता है संतोष विदित भारत के, मास्टर टूर्नामेंट विजेता अमीन तबतवाई ईरान की है, मैन टूर्नामेंट विजेता अचिम सने उल्ली ये उल्ली स्विट्जरलैंड के। फिर बात करते हैं 46वां राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता ये तमिलनाडु की है और विजेता है भारती कुलकर्णी इसमें, वो विजेता है वंतिका अग्रवाल दिल्ली। फिर चेन्नियन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप 2019 ये चीन में संपन्न हुआ है। ओपन ग्रुप विजेता है ली क्वांग लियम वियतनाम के, उस उपविजेता है कार्तिकेयन मुरली भारत के, और ब्लिट्ज ओपन में निहाल सरीन है भारत के उपविजेता, उपविजेता है ली क्वांग लियम वियतनाम के। राष्ट्रीय रैपिड और विल्ट शतरंज चैंपियनशिप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में संपन्न हुआ है। इसमें प्रतियोगिता परिणाम रहा है जिसमें अरविंद चिदम्बरम 11 में से सर्वाधिक 10.5 अंक प्राप्त किए हैं। बिल्ट स्पर्धा में अरविंद चिदम्बरम 11 में से सर्वाधिक 10.10 अंक प्राप्त किए हैं।
बात करते हैं विश्व शतरंज टीम चैंपियनशिप 2019। तो ये हुआ है अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है, 4 मार्च से 15 मार्च 2019 के बीच। इसमें ओपन वर्ग, इसमें स्वर्ण पदक रूस ने जीता है, रजत पदक इंग्लैंड, कांस्य पदक चीन ने। महिला वर्ग की बात करें तो स्वर्ण पदक चीन, रजत पदक रूस, कांस्य पदक जॉर्जिया। फिर एक कान इंटरनेशनल ओपन 2019, एक कान फ्रांस में हुआ है। इसमें विजेता रहे हैं अभिजीत गुप्ता, भारत के, संभावित 9 में से सर्वाधिक 7.5 अंक प्राप्त किए। फिर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2019, 81वां संस्करण विच आंजी नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। इसमें मास्टर ग्रुप विजेता है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, रिकॉर्ड कोर्स 7वीं बार जीत दर्ज की है। फिर हैं दिल्ली इंटरनेशनल ओपन 2019, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। सैनी ए विजेता है लेवान पंत सुलिया जॉर्जिया के। राष्ट्रीय सीनियर ओपन शतरंज चैंपियनशिप जम्मू में संपन्न हुआ है। इसके विजेता है अरविंद चिदम्बरम तमिलनाडु के, ठीक। फिर लंदन चेस क्लासिक टूर्नामेंट 2018, ये गूगल के लंदन हेडक्वार्टर एवं कैसिंगटन ओलंपिया लंदन में संपन्न हुआ है। विजेता है हिकारू नाका मोरा अमेरिका के, 15 अंक। चेस ग्रैंड चेस टूर 2018, FIDE ग्रैंड चेस टूर का अंतिम चरण लंदन चेस क्लासिक टूर्नामेंट के साथ ही लंदन में संपन्न हुआ है। इसके विजेता है हिकारू नाकामोरा अमेरिका के, 34.5 अंक, ठीक। फिर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018, FIDE और वाणिज्यिक पार्टनर एगोन द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप हॉलवर्न लंदन में आयोजित हुआ। विजेता है इसके मैग्नस कार्लसन नॉर्वे की, और विजेता है फेबियानो करुयान आना अमेरिका। विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में यह पहला अवसर था जब 3 हफ्ते में 50 घंटे से अधिक खेल के बाद चैंपियनशिप के खिताब का निर्णय ट्राई ब्रेकर के जरिए हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं एथलेटिक्स। 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 ये हुई है रांची झारखंड में। इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा है रेलवे 264.5 अंक के साथ। पुरुष चैंपियनशिप विजेता रहा है सर्विसेस 174 अंक, और महिला चैंपियनशिप विजेता रही है रेलवे 219.5 अंक के साथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट रहे हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट रही हैं दूती चंद उड़ीसा। दूती चंद उड़ीसा ने इस प्रतियोगिता में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगली है 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा कतर में संपन्न हुआ है। भारत चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 7 रजत 7 कांस्य सहित कुल 17 पदक प्राप्त कर तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। पहले 3 देशों की बात करूं तो बहरीन 11 स्वर्ण 7 रजत 4 कांस्य पदक के साथ 22, चीन दूसरे नंबर पर 9 स्वर्ण 13 रजत 7 कांस्य के साथ 29 पदक कुल, जापान तीसरे पर 5 स्वर्ण 4 रजत 9 कांस्य 18 टोटल, ठीक। भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो इसमें तेजेंद्र सिंह पाल सिंह तूर हैं 63 फुट, पीयू चित्रा 1500 मीटर दौड़ महिला वर्ग में, गोमथी मरीमुथु ये 800 मीटर दौड़ महिला वर्ग में। अब बात करते हैं IAAF कॉन्टिनेंटल कप 2018, ओस्टावा चेक गणराज्य में संपन्न हुआ है। स्वर्ण पदक विजेता रहा है अमेरिका, रजत पदक विजेता रहा है यूरोप, कांस्य पदक विजेता रहा है एशिया पैसिफिक।
प्रतियोगिता की त्रिकोण स्पर्धा में भारतीय एथलीट अरपिंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। अरपिंदर IAAF कॉन्टिनेंटल में कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। मैराथन रेस 2019, इसमें पुरुष विजेता महिला विजेता, ठीक है चलिए देख लेते हैं। एयरटेल दिल्ली ऑफ मैराथन, तो इसमें पुरुष विजेता रहे एंडा मलक बेलीहो इथोपिया के, और महिला वर्ग हैं मैं सिहाय गेमचू इथोपिया के। फिर TCS वर्ल्ड 10 के, इसमें पुरुष विजेता हैं एंडा मलक बेलीहो इथोपिया के, और महिलाएं एग्नेस तिरोव केन्या की। बोस्टन मैराथन लॉरेंस चिरोनो केन्या के, और महिलाएं वर्ग निस देखफा इथोपिया के, ठीक। फिर है वर्लिंग मैराथन, इसमें केनेनिसा विकेले इथोपिया की, असे तेरे विकेरे इथोपिया के, ठीक है फिर है देख लेना ये, ठीक है। फिर पेरिस मैराथन जैसे कि अब्राहम मिलाओ इथोपिया के हैं पुरुष, और ग्लेट बुरका इथोपिया की महिला। फिर न्यू दिल्ली मैराथन की बात कर लेते हैं, रसपान सिंह सेना में, ज्योति शंकर गौते एक महाराष्ट्र की, ठीक है। पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन जीके अटलाव डिबेबे इथोपिया के, पास्कल महिलाओं में बात करें तो पास्कलिया चिपको गई केन्या की। मैराथन रेस 2019, भारतीय पुरुष विजेताओं की बात करें भारतीय महिलाओं की, तो TCS वर्ल्ड 10 के, इसमें करण सिंह विजेता हैं, पारुल चौधरी महिलाओं में, टाटा मुंबई मैराथन नितेंद्र सिंह रावत हैं, और सुधा सिंह टाटा मुंबई हाफ मैराथन श्रीनू है बुगाथा और मीनू है, ठीक। इंदिरा मैराथन बहादुर सिंह धोनी ज्योति सिंह गौते। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन सीनी बुगाथा और सूर्या लोगनाथन। TCS वर्ल्ड 10 के में सब जीवनी जाधव 0.35 के समय के साथ महिला वर्ग भारतीय में विजेता बनी, लेकिन उनके डोप टेस्ट में विफल होने के कारण के बाद द्वितीय स्थान पर रही पारुल चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया, ठीक है जाकर इस बार। फ्रेंच बिलियर्ड्स स्नूकर स्क्वैश IBSF टीम स्नूकर चैंपियनशिप 2019 से म्यांमार में हुई है, इसमें मास्टर्ड वर्ग विजेता है थाईलैंड और विजेता है भारत। फिर पुरुष वर्ग में इंडिया विजेता है और विजेता है थाईलैंड। महिला वर्ग में चीन है विजेता और थाईलैंड है उपविजेता। पुरुष वर्ग में इंडिया भुवन पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता शामिल थे, ठीक। फिर WPBSA विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई है, लॉन्ग यूपी पर्व इसमें विजेता रहे हैं पीटर गिलक्रिस्ट सिंगापुर के, चौथा खिताब इनका, वो विजेता रहे हैं सौरभ कोठारी भारत के, ठीक। फिर IBSF सिक्स रेड्स स्नूकर चैंपियनशिप ये म्यांमार में हुई है, पुरुष वर्ग में विजेता हैं लक्ष्मण रावत भारत के, और विजेता है मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के। महिला वर्ग की का बात करें तो इसमें नूत चरत बोंद रुथाई थाईलैंड की विजेता, और उपविजेता है एमी कमानी भारत की। फिर है IBSF विश्व विलीडर्स चैंपियनशिप 2019, तो ये भी म्यांमार में हुई, इसमें 150 यूपी प्रारूप इसमें पंकज आडवाणी भारत के विजेता रहे, उपविजेता हैं नायत थे ओ म्यांमार के। उल्लेखनीय है कि पंकज का 22वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है। फिर है राष्ट्रीय ब्लीडर्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2019 इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है, 84वीं सीनियर नेशनल ब्लीडर्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष में, तो इसमें विजेता रहे ब्लीडर्स में
एस श्री कृष्ण तमिलनाडु के हैं कृष्णा, और उपविजेता है ध्वज हरिया पी एस पी बी के। स्नूकर में बात करें तो पंजय पंकज आडवाणी और उपविजेता लक्ष्मण रावत। 26वीं महिला नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता है बिलियर्ड्स में उमा देवी रेवाला कर्नाटक की हैं, और कीरत भंडाल दिल्ली के हैं। ठीक है, दिल्ली की हैं उपविजेता। स्नूकर में वर्षा संजीव कर्नाटक की हैं, अरंचा रांचा सांचेस महाराष्ट्र की हैं। बिलियर्ड्स स्नूकर सॉरी इसको बेस में देख लेते हैं, चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2019 में विजेता ए सी बी एस सिक्स रेड्स स्नूकर चैंपियनशिप आमिर सरखोश ईरान के, 35वीं एशियन स्कूनर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी भारत के, एशियन जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप वीर चौधरानी है भारत के, सेकी सुई ओपन महेश मनगांवकर भारत के, इंडियन ओपन स्कूनर टूर्नामेंट मैथ्यू सैंड इंग्लैंड के, ACBS टीम स्नूकर चैंपियनशिप तो विजेता है पाकिस्तान और विजेता है भारत। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप विजेता है पीटर गिलक्रिस्ट सिंगापुर और विजेता है सौरभ कोठारी भारत। राष्ट्रीय मास्टर्स स्कूनर चैंपियनशिप विजेता है अनुज उप्पल रेलवे और उपविजेता है रफत हबीब रेलवे। अब देख लेते हैं हम लोग विभेद के बारे में। ठीक है, फार्मूला 1 2019 को भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग विभेद। ठीक है, एक ग्रैंड फिक्स हो गए, विजेता हो गए टीम हो गई, तो अमेरिकन इसके जो विजेता है वाल्टेरी बुट्टास फिनलैंड मार्सिटीज। ठीक है, टीम मैक्सिन लुइस हैमिल्टन यूके मार्सिटीज। जापानी वाल्टरी बोटास फिनलैंड के, मर्सिडीज रशियन लुइस हैमिल्टन यूके मर्सिडीज। जर्मन मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के, रेड बुल रेसिंग होंडा फेरारी सिंगापुर। सेबास्टियन विट्टल जर्मनी के, फेरारी। ठीक है, देख लेना ये लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर रोक कर, जैसे कि चाइनीज बात कर लेते हैं। लुइस हैमिल्टन यूके के, मर्सिडीज में इसमें। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन हो गया। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के, रेड बुल रेसिंग होंडा। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप की 1000वीं रेस थी। लुइस हैमिल्टन वर्ष 2019 में अब तक संपन्न 19 रेसों में से 10 में जीत दर्ज कर कुल 381 रन अंक प्राप्त कर फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के विजेता बने। विविध की बात करते हैं, प्रो कबड्डी लीग 2019 सातवां संस्करण का फाइनल अहमदाबाद में संपन्न हुआ है। विजेता है बंगाल वारियर्स पहला खिताब, और उपविजेता है दबंग दिल्ली। टूर्नामेंट में प्रदत्त पुरस्कारों की बात करें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नवीन कुमार दिल्ली के हैं, दबंग दिल्ली। सर्वश्रेष्ठ रेडर पवन कुमार सहरावत ये हैं बंगलोर बुल्स की। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर फजल अत्रा चली ये हैं यू मुंबा। फिर बात करते हैं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 हुई उलान उदे रूस में। प्रतियोगिता मेजबान रूस 3 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान पर आए। भारत ने 1 रजत 3 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीतकर पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की ओर से फ्लाईवेट वर्ग में मैरीकॉम ने कांस्य पदक जीता। इसी के साथ वह महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक 8 पदक जीतने वाली विश्व की पहली मुक्केबाज बन गई। मैरी रिकॉर्ड 6 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला मुक्केबाज है। भारत की ओर से एकमात्र रजत पदक लाइट फ्लाईवेट वर्ग में मंजू रानी ने जीता है। बात करते हैं ASBC एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यह हुआ
हुजी राय संयुक्त अरब अमीरात में। उज्बेकिस्तान ने 800 सहित कुल 20 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत की बात करें तो 600 नौ रजत 6 कांस्य पदक सहित 21 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में दूसरा स्थान पर रहा है। फिर है एशियाई आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप 2019, तो 10वां संस्करण है, बेंगलुरु भारत में हुआ है। प्रतियोगिता में स्विमिंग, ड्राइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग तथा वाटर पोलो जैसे 4 प्रकार के खेल शामिल किए गए। भारत ने प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 स्वर्ण, 24 रजत, 21 कांस्य पदकों सहित कुल 65 पदक प्राप्त किए। वाटर पोलो में जापान ने महिला तथा पुरुष दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं 2020 बीजिंग ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों का स्वर्ण कर। बीजिंग ओलंपिक आयोजन समिति ने 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शुभंकर लॉन्च किए। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में का शुभंकर एक हंस मुख पांडा जिसे बिंग ड्वेन ड्वेन नाम दिया गया। बिंग चीन में बर्फ को कहा जाता है तथा यह शक्ति एवं पवित्रता का प्रतीक है, जबकि ड्वेन ड्वेन चीन में पिछले बच्चों का नाम है। बीजिंग में वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का शुभंकर लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा है, जिसे सुए रोहन रोहन नाम दिया गया। बात करते हैं एशियाई पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2019 ईरान में संपन्न हुई है। इसमें स्वर्ण पदक ईरान ने जीता है, ईरान का ये तीसरा खिताब है। रजत पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया और कांस्य पदक जीता है जापान। फिर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 पटाया थाईलैंड में संपन्न हुई। कुल 97 देशों के 588 एथलेटिक्स इस चैंपियनशिप में शामिल हुए। ईरान ने पहली बार अपनी महिला टीम को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु भेजा। ओवरऑल पदक तालिका में चीन 29 स्वर्ण, 14 रजत, 10 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया। भारत ने 10 भारोत्तोलकों का दल इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु भेजा था, किंतु उनमें से कोई भी पदक हासिल नहीं कर सका। अगली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2021 में लीमा पेरू में किया गया। फिर FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2019 चीन में संपन्न हुआ है। प्रतिभागी टीम रही है 32, 4 कन्फेडरेशन। प्रतियोगिता का परिणाम रहा है स्पेन रहा है विजेता, दूसरा खिताब है स्पेन का, उपविजेता है अर्जेंटीना। टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहा है रिकी रूबियो स्पेन के। बात करते हैं 73वें सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2019, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है 31 अगस्त से 4 सितंबर 2019 के बीच। तो इसमें कर्नाटक 14 स्वर्ण, 12 रजत तथा 10 कांस्य पदक सहित कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आए। 4 पदक जीतने वाले कर्नाटक के श्री हरि नटराज को पुरुष में तथा 2 स्वर्ण एवं 1 रजत जीतने वाली हरियाणा की शिवानी कटारिया को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। यही देख लेते हैं हम लोग 2019 की महत्वपूर्ण गोल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के परिणाम। चैंपियनशिप टूर्नामेंट हैं वो ये विजेता है, ठीक। यूएस ओपन गैरी बुडलैंड अमेरिका के हैं। टेवलर्स चैंपियनशिप चेस रेवी अमेरिका के। WGC फेडेक्स सेंट जूड आमंत्रण बुक्स कोएपा कोएपका अमेरिका के हैं। द ओपन चैंपियनशिप सेंट लॉरी आयरलैंड के हैं। विंडहैम चैंपियनशिप JT पोस्टन अमेरिका के। द नॉर्दर्न ट्रस्ट पैट्रिक रीड अमेरिका के। BMW चैंपियनशिप जस्टिन थॉमस अमेरिका। टूर चैंपियनशिप रोरी मैकलारॉय उत्तरी आयरलैंड। जूजू चैंपियनशिप टाइगर वुड्स अमेरिका। WGC HCB चैंपियनशिप रोरी मैकलारॉय उत्तरी आयरलैंड। RBC कनाडियन ओपन रोरी मैकलारॉय उत्तरी आयरलैंड।
मेमोरियल टूर्नामेंट पेट्रिक कैंटले अमेरिका की टाटा स्टील PGTI, प्लेयर्स चैंपियनशिप राशिद खान भारत के हैं, PGA चैंपियनशिप बुक्स कोएपका अमेरिका के हैं, मास्टर टूर्नामेंट टाइगर वुड्स अमेरिका के हैं, द प्लेयर्स चैंपियनशिप रोरी मैकलरॉय उत्तरी आयरलैंड की हैं, WGC मैक्सिको चैंपियनशिप डस्टिन जॉनसन अमेरिका के हैं, गोलकुंडा मास्टर्स चिक्कार गप्पा एएस भारत के हैं, फॉर्मर्स इंश्योरेंस जस्टिन रोज इंग्लैंड के, ओपन डिजर्ट क्लासिक एडम लॉन्ग अमेरिका के, सोनी ओपन मैट कूचर अमेरिका के। ठीक है, बात करते हैं फीबा महिला एशिया कप 2019, तो ये बेंगलोर भारत में संपन्न हुआ है। इसमें स्वर्ण पदक जीता है जापान ने, रजत पदक जीता है चीन ने और कांस्य पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है नाको मोतोहाशी जापान के। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019, तो यह हुआ है एका तिरिनबर्ग रूस में। उज्बेकिस्तान 3 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहे। भारत ने प्रतियोगिता में 1 रजत 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया। भारतीय पदक प्राप्तकर्ता मुक्केबाज अमित पंगल फ्लाईवेट 48 से 52 किलोग्राम भार में, ठीक, और कांस्य पदक मनीष कौशिक लाइट वेट 57 से 63 किलोग्राम भार में। उल्लेखनीय है कि अमित पंगल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। इस प्रतियोगिता के अगले संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में भारत में किया जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019, यह हुआ नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। रूस ने 9 स्वर्ण 5 रजत 5 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत की बात करें तो 1 रजत 4 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त किए और 17वें स्थान पर आए। भारतीय रजत पदक प्राप्तकर्ता पहलवान है दीपक पूनिया 86 किलोग्राम भार वर्ग में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019, ये मैड्रिड स्पेन में हुई। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता है कोमलिका बारी रिकर्व कैडेट महिला वर्ग, मार्को रागनी बस एवं सुखबीर सिंह कंपाउंड जूनियर मिश्रित टीम। इस स्वर्ण के साथ 17 वर्षीय कोमलिका रिकर्व कैडेट विश्व चैंपियनशिप बनने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाज बनी। कोमलिका से पहले दीपिका कुमारी ने वर्ष 2009 में उपलब्धि हासिल की थी। ISSF विश्व कप शॉटगन 2019 चौथा संस्करण फिनलैंड में संपन्न हुआ। इटली 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया। मेजबान फिनलैंड ने मात्र 1 रजत पदक प्राप्त कर पदक तालिका में बुल्गारिया फ्रांस एवं पुर्तगाल के साथ संयुक्त रूप से 7वां स्थान हासिल किया। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल 2019 चौथा संस्करण रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदकों सहित कुल 9 पदक प्राप्त किए और तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। याद रखना बात। फिर फिना विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2019, ये 18वां संस्करण था। ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हुआ है 12 से 18 जुलाई 2019 के बीच। चीन ने 16 स्वर्ण 11 रजत 3 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने 12 तैराकों का दल इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु भेजा था, किंतु उनमें से एक भी तैराक पदक नहीं जीत सका। ठीक है, बुरा प्रदर्शन रहा है। फिर ISSF जूनियर विश्व कप राइफल पिस्टल शूटगन 2019, तो ये जर्मनी में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में भारत ने 10 स्वर्ण 9 रजत 5 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दो याद रखना, भारत पहले पर, 10 स्वर्ण 9 रजत 5 कांस्य पदक 24 कुल टोटल। फिर चीन दूसरे पर है 8 स्वर्ण 8 रजत 8 कांस्य 24 इसने भी जीते। ठीक, कुल पदक। जर्मनी की बात करें
तो 5 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य 10। याद रखिए जब कोई भी बराबर होता है या ज्यादा होता है यहाँ, ठीक, तो याद रखिए स्वर्ण पदक के आधार पर काउंटिंग की जाती है, नंबर दिए जाते हैं 1 2, मतलब किस क्रम में रखना है किसी को। अगर किसी के स्वर्ण 1 है और रजत अगर 15 20 भी है तो उसे पहला स्थान नहीं मिलेगा। जिसे स्वर्ण सबसे ज्यादा मिलेंगे पदक उसी को पहला स्थान दिया जाएगा, उसी के आधार पर काउंटिंग की जाती है, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं किसी के पदक ज्यादा होते हैं लेकिन उसे कई देशों के नीचे रखा जाता है, जिनके स्वर्ण ज्यादा होते हैं उन्हीं को अच्छा क्रम दिया जाता है। बात करते हैं 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2019, नेपल्स इटली में सफल हुए। 118 देशों के प्रतिभागियों ने 18 खेलों में भाग लिया है खेल स्पर्धा। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत तथा 2 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक जीतकर प्रतियोगिता में 29वां स्थान प्राप्त किया। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक महिला धावक दूति चंद ने 100 मीटर रेस में जीता। जापान ने 33 स्वर्ण 21 रजत और 28 कांस्य पदकों सहित कुल 82 पदक जीतकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फिर रेसलिंग ग्रैंड प्रिक्स स्पेन 2019 स्पेन में हुई है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम चैंपियनशिप में 130 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। रूस 165 अंकों के साथ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। भारत के स्वर्ण विजेताओं की बात करें तो विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार में, दिव्या काकरान 68 किलोग्राम भार वर्ग। बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंटल ओपन एवं महिला शतरंज चैंपियनशिप 2019 सिंगताई चीन में हुआ है। ओपन वर्ग विजेता रहे ली क्वांग लियम वियतनाम के, महिला वर्ग विजेता है दिनारा साधु आका सोआ कजाकिस्तान और विल्ट जी वर्ग विजेता निहाल सरीन भारत के। बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट कप 2019 पांचवा संस्करण जर्मनी में संपन्न हुआ है। भारतीय मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण 2 रजत पदकों सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीता। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नेहा हरियाणा की, ठीक। फिर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता का 18वां संस्करण चिंगदू चीन में संपन्न हुआ है। इस खेलों में भारत ने 129 स्वर्ण 28 रजत 66 कांस्य पदक सहित कुल 286 पदक जीते हैं। भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल BSF ने सर्वाधिक 57 स्वर्ण जिनमें 31 स्वर्ण 16 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। इस प्रतियोगिता में 19वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में रोटरडैम नीदरलैंड में किया जाएगा। फिर सेकेंड इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट एक गुवाहाटी असम में हुई। सरूजा जाई स्टेडियम में संपन्न हुई है। भारतीय दल ने इस टूर्नामेंट में 12 स्वर्ण 18 रजत 27 कांस्य सहित कुल 57 पदक जीते। फिर 36वां फिलिप्स स्टैम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट वारसा पोलैंड में संपन्न हुई है 28 अप्रैल से 5 मई 2019 के बाद। भारत ने चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य के साथ 6 पदक जीते। गौरव सोलंकी ने स्वर्ण पदक जीता है 52 किलोग्राम भार में। मनीष कौशिक ने 60 किलोग्राम भार में 2 पदक मिले स्वर्ण पदक गौरव सोलंकी और मनीष कौशिक को। फिर बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 तो चीन में संपन्न हुई है। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण 6 रजत 9 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वें स्थान पर आए। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक पुरुषों की फ्रेस्ट आए इस स्पर्धा में 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर ईरान रहा 11 स्वर्ण 6 कांस्य के साथ 17। चीन रहा है दूसरे पर 5 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य 16वें नंबर। जापान 34वें नंबर पर, ठीक है, 4 स्वर्ण 7 रजत 6 कांस्य 17। देखिए यहाँ देख लीजिए कुल पदक में चीन को मिले हैं 16 और जापान को मिले हैं 17। फिर भी चीन दूसरे पर है और जापान तीसरे पर। तो याद रखिए यहाँ 5 मिले हैं स्वर्ण पदक, 4 मिले हैं रजत, 4 मिले हैं जापान को स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जिसे ज्यादा मिलते हैं उसे आगे रखा जाता है। बात करते हैं ASBC एलीट एशियन
कन्फेडरेशन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुई है। यह पहला अवसर है जब पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप एक साथ आयोजित की गई। प्रतियोगिता में चीन, उज्बेकिस्तान, भारत ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। चीन ने चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक के साथ कुल 10 पदक जीते हैं और भारत ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 2 रजत 7 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। फिर मुक्केबाजी विश्व कप 2019 कोलोन जर्मनी में संपन्न हुए। रूस ने 5 स्वर्ण 3 रजत 5 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत की बात करें तो 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त किए और तालिका में 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत की ओर से एकमात्र पदक स्वर्ण पदक महिला वर्ग में मीना कुमारी मैस नाम ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्राप्त किया। क्लाउडेड तेंदुआ मेघालय का राजकीय पशु वर्ग 2022 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर घोषित हो गया। मेघालय के खेल एवं युवा मामले मंत्री बंटीडोर लिंग दो की अध्यक्षता में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2022 की कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2018-19 ये रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ है। इसमें विजेता रहा है भारतीय रेलवे और उपविजेता है सेना। फिर प्रो कुश्ती लीग ये हुआ है 4वां संस्करण था, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में हुआ है। प्रतिभागी टीम थी 6 NCR पंजाब, दिल्ली सुल्तान, हरियाणा हैमर्स, यूपी दंगल, MP योद्धा और मुंबई महारथी। टीम विजेता रहा है हरियाणा हैमर्स 6-3 से, पहला किताब इसका, वो विजेता रहा है NCR पंजाब, ठीक है NCR पंजाब। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण 25 रजत 40 कांस्य पदक सहित कुल 88 पदक जीतकर तालिका में 6ठे स्थान पर आया। उल्लेखनीय कि इन खेलों की थीम थी 5 मिनट और, जिसका विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसमें पहले स्थान पर आया महाराष्ट्र 85 स्वर्ण 62 रजत 81 कांस्य 228 कुल पदक जीते। हरियाणा दूसरे को 62 स्वर्ण 56 रजत और 60 कांस्य 178 कुल। दिल्ली तीसरे पर 48 37 51 136, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा समसामयिकी घटना चक्र, तो ये पूरा खत्म कर चुके हैं हम लोग। शुरू कहाँ से किया था हम लोगों ने, याद रखिए, शुरू किया था हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य से, फिर उसके बाद हम लोगों ने विधिक परिदृश्य देखा था, बात फिर हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, फिर देखा आर्थिक परिदृश्य, फिर वैज्ञानिक परिदृश्य, फिर जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख करंट अफेयर्स था वो भी देख लिया, फिर संक्षिप्तियाँ देखी थी, फिर देखा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर खेल परिदृश्य, ठीक है, लास्ट टॉपिक था खेल परिदृश्य। तो ये हमारा खत्म हो चुका है पूरी तरह से, याद रखिए समसामयिकी घटना चक्र, याद रखिए ये जितने भी लेक्चर बने इससे समसामयिकी घटना चक्र वार्षिकांक 2019 से संबंधित वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी प्लेलिस्ट सूची में समसामयिकी घटना चक्र 2019 के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है।